मेरा रीजन क्या फॉरेवर लिविंग को ज्वाइन करने का, जस्ट थिंक अबाउट इट. आप उसके बारे में सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट, और जैसे आप सोच लो, इमेजिन कर लो, टाइप इन चैट बॉक्स, डन. ओके, डन. बहुत सारे लोगों ने इमेजिन किए है और सोचा अपनी ड्रीम्स के बारे में, राइट. और ना हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड 48 लोग हैं, सबको अपने सपनों के बारे में एक बार ही सोचना है. जस्ट थिंक अबाउट इट, ड्रीम अबाउट इट. और मुझे इस वेबिनार में 48 रिप्लाइज चाहिए. आई नीड 48 रिप्लाइज. मैं देख रहा हूँ, मैं गिन रहा हूँ, राइट. सो जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि इससे बेनिफिट आपका होगा, मेरा नहीं होगा, राइट. तो मैं आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूँ. गुड गुड गुड, राइट. बहुत सारे लोगों ने मुझे डन मैसेज किया है, राइट, कि उन्होंने सोचा है. और अगर आप एक ऐसी प्लेस में हो जहां पे आप एग्जैक्टली इस वेबिनार को बहुत अच्छे से अटेंड कर रहे हो, सो मैं आपको चाहूंगा, अगर आप अपने अंदर एक एनर्जी लेके आना चाहते हो, यू वॉन्ट कि मैं इस वेबिनार से बेस्ट पॉइंट लेके जाऊं, सो जिस जगह पे आज आप हो मैं आपको बताता हूँ. कभी भी डाउन फील करो, कभी भी मोमेंट, कभी भी लो एनर्जी फील करो ना, जिस भी जगह पे बैठे हो, अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आप जिस जगह पे बैठे हो वहां पे बैठ के ना 10 times क्लैप करो. अगर कोई कर सकता है तो कर सकता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे करता हूँ, 10 times क्लैप्स करता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट. अब मैं ट्रेनिंग देने के मूड में आ गया हूँ, राइट. मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये ट्रिक आप भी यूज करना. सो कम टू द पॉइंट, हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट. और बहुत सारे लोगों ने मुझे डन मैसेज कर दिए. सो अगर आप एक्साइटेड हो और मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट करूं, सो टाइप 1 फास्ट. मैं स्टार्ट करने वाला हूं ट्रेनिंग को. 46 लोग हैं और मैं आपको चाहूंगा आप सब रिप्लाई करो और टाइप 1. आज इस ट्रेनिंग का लेवल उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर है. बट अगर आप नहीं भी हो तो आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हो, क्या पता आपको कुछ बिगेस्ट थिंग मिल जाए, राइट. सो आई विल कम टू द माय पॉइंट. और आज का मेरा टॉपिक है How to find flow and get into a next level in network marketing. मैं कैसे अपना flow find करूं, कैसे मैं consistent रहूं, किस तरीके से मेरा business momentum पे आए, तो मुझे उस चीज के लिए आज कुछ बातें माइंड में रखनी पड़ेगी और वही पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा. और आज मैं आपसे उन्हीं पॉइंट्स पे आज एग्जैक्टली बात करूंगा, राइट. सो ना, सबसे बिगेस्ट की जो है, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा की, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर एक फ्लो फाइंड करना है, एक मोमेंटम फाइंड करना है, तो आपके आपको ना पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, राइट. या पर्सनल डेवलपमेंट, व्हाट आई मीन बाय पर्सनल डेवलपमेंट, लर्निंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ योरसेल्फ इन स्किल्स. क्योंकि इससे होगा क्या, इट विल मेक यू मोर क्रिएटिव. जब आप एग्जैक्टली आपका जो माइंडसेट स्ट्रांग होगा, आप अपने आप को पर्सनली डेवलप करोगे, ट्रेन करोगे, व्हाट विल हैपन, आपका आप मोर क्रिएटिवली वर्क करोगे, आपके पास नए नए आइडियाज आएंगे. और आप जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएट करते हो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट. सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट. और अगर आप नए हो और आपने अभी सिर्फ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो आपका ना एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को ना पर्सनली डेवलप करना है. इस बिजनेस सिर्फ उठ के लोगों को मैसेज करने का नहीं है, ये बिजनेस ना डिसिप्लिन का, डेडिकेशन का बिजनेस है. अगर आपने अपने आप को डेवलप कर लिया और अगर आपने इस बिजनेस में डिसिप्लिन से काम कर लिया, तो मैं आपको श्योर करता हूँ बहुत जल्दी जिस भी रीजन से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को आज कर रहे हो वो डेफिनेटली पूरा होगा, राइट. सो आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा. उन पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखना कि क्या एक्चुअली में वो पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है एंड क्या आप उसको अपनी लाइफ में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, राइट. सो अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, पॉइंट नंबर 1, फाइंड फ्लो. आप अपना फ्लो फाइंड करो, राइट. हाउ यू कैन फाइंड फ्लो, आप चेक करो क्या मेरा फ्लो सही है, क्या मेरी एनर्जी राइट लग रही है. फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार बिजनेस करते हैं, वी फील डीमोटिवेटेड, हमें लगता है यार हो नहीं रहा, एक्स वाई जेड कुछ भी हमारे माइंड में आता है, राइट. और उस टाइम ना आप अपने आप से चेक करो, क्या मेरी एनर्जी राइट है, क्या मेरी एनर्जी सही जगह भी लग रही है, नहीं लग रही, क्या मैं राइट एनर्जी में हूं या नहीं. क्योंकि सक्सेस उसे कहते हैं, अगर आप फेलियर से, फेल होने के बाद अगर आपकी मोटिवेशन, आपका जिगरा, आपका करेज डाउन ना हो, हमें उस एनर्जी को ना मेंटेन करना है. वी हैव टू मेंटेन दैट एनर्जी.
और वो एनर्जी मेंटेन कैसे होगी, सबसे बड़ी बात एजुकेशन ट्रेनिंग एंड नॉलेज। आप एक अच्छे माइंडसेट के लिए बुक्स पढ़ सकते हो, आप चेक करो कि यार मेरी एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही, क्या मैं सिस्टमैटिकली वर्क कर रहा हूं, और अपने आप को ना चेक करो, अपने आप को डेली बेसिस पे चेक करो कि क्या मेरी एनर्जी आज राइट जगह पे लगी या मेरी एनर्जी आज वेस्ट हो गई। बिकॉज इस बिजनेस में ना टाइम बहुत कीमती है, और किसी भी बिजनेस में लाइफ में ना टाइम बहुत कीमती है। सो आपको चेक करना क्या मेरी एनर्जी राइट जगह पे लग भी रही है नहीं लग रही है। सेकेंड पॉइंट, राइट इन्वायरमेंट, क्या आज मैं एक राइट इन्वायरमेंट के अंदर हूँ। आज आप एक्साइटेड हो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, आपने सपना ले लिया कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, और आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो जिनका लाइफ में एम गोवा जाना है, तो शायद उस सिचुएशन में आपकी मेंटालिटी चेंज हो सकती है। आपको इस चीज को समझना होगा, अपनी सराउंडिंग्स को आपको बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग। अगर आज आपकी सराउंडिंग में आपको लग रहा है कि ये मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, अगर आप उसको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, कम बात करो। अगर आप उनसे डेली इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उनकी वाइब, उनकी एनर्जी आपके अंदर आएगी। आप एक ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहते हो जो कंफर्ट में है, कंफर्ट जोन में है, तो आप भी कंफर्ट जोन में आ जाओगे, राइट? सो चेक योर सराउंडिंग, कंफर्ट जोन कैन किल योर ड्रीम्स। आज कंफर्ट आपको बिठा देगा, राइट? सो क्विट बीइंग इन अ कंफर्ट, अपनी सराउंडिंग को चेक करो और फाइंड करो कि क्या मैं एक राइट सराउंडिंग में हूँ, क्या मैं एक राइट सिचुएशन में हूँ जो मुझे पुश कर रही है मेरे सपने पूरे करने के लिए, राइट? एंड बिगेस्ट टूल फॉर द मोटिवेशन, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हाउ वी कैन स्टे मोटिवेटेड। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ा एक जो वर्ड है ना, वो है होप। आपको होप होनी चाहिए अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए कि यस, एक्चुअली मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा, मैं इस चीज को अचीव कर रहा हूँ, मैं इस चीज को अचीव करने वाला हूँ। सो आपके माइंड में ना होप है, आपके अंदर ना एक मैसेज है, एक होप है कि मैं इस चीज को अचीव कर रहा हूँ, राइट? सो अपने अंदर आप होप रखो, दैट ये चीज मैं डेफिनेटली अचीव करूंगा, बट कभी डाउट मत करना, कभी 50-50 मत रहना, राइट? एंड थर्ड पॉइंट, इवेंट्स। आप इस बिजनेस में अपने मोमेंटम को कैसे फाइंड कर सकते हो, ट्रेनिंग्स को मिस मत किया करो। क्यों? कभी कभी हम डाउन फील करते हैं, और कभी कभी हमारा बिजनेस जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से शायद नहीं चलता। आपको कभी कभी फील होता है कि यार मैं करना कुछ और चाहता था, मेहनत भी करी पर हुआ कुछ और। इस सिचुएशन में जो चीज आपको बनाए रखेगी, इस सिचुएशन में जो चीज आपका फ्लो बनाए रखेगी, व्हाट विल बी दैट? इवेंट्स एंड ट्रेनिंग्स। जो आज आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इवेंट्स अटेंड करा करो, ट्रेनिंग्स अटेंड किया करो, एंड कंपनी के जो ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं उनको मिस मत किया करो। हमें नेटवर्क मार्केटिंग पता है, बट ना एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। आई थिंक किसी का ऑडियो ऑन है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ऑडियो ऑफ कर लो। जस्ट आप बोल रहा था कि व्हाट यू हैव टू डू, आप अपने माइंड के अंदर एक चीज रखो कि अगर मुझे अपना फ्लो फाइंड करना है, इफ आई वांट टू फाइंड माय फ्लो, क्या मुझे करना होगा, व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू। आपको ट्रेनिंग्स में आना होगा, आपको इवेंट्स में बैठना होगा, और आपको ना अपने माइंड को ना एक पॉजिटिव फूड देना पड़ेगा डेली बेसिस पे। अगर आप एक पॉजिटिव फूड अपने माइंड को डेली बेसिस पे दे रहे हो, तो आई श्योर यू कि आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, आपकी मोटिवेशन कभी डाउन नहीं आ सकती। बट अगर आप हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग ले रहे हो, महीने में दो बारी बुक पढ़ रहे हो, सो दैट विल मेक यू डाउन। वो आपकी एनर्जी भी, आपका मोमेंटम, आपका काम, आपकी एक्टिविटी सब रिड्यूस कर देगा। सो एक एंगेजमेंट बनाकर को ट्रेनिंग से, एंड आई श्योर कि बहुत सारे लोग इस मीटिंग में है, एंड एवरीबडी नो अबाउट इट, राइट? बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बट हमें ना इन बातों का ना रिपीट करना जरूरी है। कभी कभी हम ना कुछ मेन पॉइंट भूल जाते हैं। दिस इज ऑल आर फंडामेंटल, दिस ऑल आर बेसिक्स, राइट? सो गेटिंग इन टू योर एलिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, गेट इन टू योर एलिमेंट। वॉट्स योर एलिमेंट? लाइक आपका एक काम करने का जो तरीका एक्चुअली में है, लाइक जिस एनर्जी से आप काम करते हो, उस एलिमेंट में घुस जाओ, राइट? उस एनर्जी से आप काम करो, पैशन फाइंड करो, यू शुड लव द प्रोसेस। आज अगर आपका प्राइमरी मोटिवेशन सिर्फ 1,00,000 रुपए की, आपने सोचा मुझे एक साल बाद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 1,00,000 रुपीज टच करना है, आपने टारगेट लिया मुझे आने वाले टाइम में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में 1,00,000 रुपीज टच करना है, तो आपने अगर उसी का मोटिवेशन बना लिया, तो आपको ना प्रोसेस में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपको इस 6 से 7 महीने की जर्नी में
जो आप जो जर्नी है उसके अंदर आपको 1 लाख रुपए कहीं नहीं दिखेगा, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी ग्रोथ होगी, बट आप एक्चुअली में सिस्टम में स्टेड कैसे रहोगे? आप अगर इस काम को प्यार करोगे, यू शुड लव कि मुझे लोगों से बात करने में मजा आ रहा है, मुझे ट्रेनिंग अटेंड करने में मजा आ रहा है, और मुझे लोगों से कॉल पे बात करने में मजा आ रहा है, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करने में मजा आ रहा है, वेबिनार्स लोगों को इनवाइट करने में, प्रोस्पेक्टिंग करने में, लोगों से बात करने में मुझे मजा आ रहा है, यू आर एंजॉयिंग द प्रोसेस. अगर आपने प्रोसेस को एंजॉय किया, इफ यू एंजॉय द प्रोसेस, आप इवेंचुअली अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे. बट अगर आपका प्राइमरी फैक्टर ये हो गया कि नहीं मुझे तो सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे नहीं पता बस जैसे मर्जी चाहिए, आएगा, बट आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा. इफ यू डोंट एंजॉय दिस प्रोसेस, आप दिल से काम नहीं करोगे, आप सिर्फ 1 लाख रुपए के बारे में सोचते रहोगे, एंड जब आप दिल से नहीं काम करोगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड. और आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना, यू हैव टू लव दिस प्रोसेस. यार एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलता हूँ कि यार आप आज एक काम करो, एक एक्स पर्सन को मैं बोलता हूँ कि आपको ना एक काम स्टार्ट करना है, और आपको ना रोज रोज एक पौधे के अंदर पानी डालना है, राइट, और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे हर मंथ में आपको $500 दूंगा. तो वो पर्सन उस काम को ना बहुत खुशी से करेगा, क्यों, उसको पता जब जब ये पेड़ में पानी डालूंगा तो ये मुझे $500 देगा हर मंथ, एग्जाम्पल $500, राइट. सो सेम है, तो उस इंसान को ना पानी डालने में ना मजा आ रहा है, सो आपको भी ना काम करने में ना मजा आना चाहिए. यू हैव टू फील कि हाँ यार आई एम लविंग द वर्क, मुझे मजा आ रहा है, राइट, आई एम एंजॉयिंग द वर्क, राइट. सो एग्जैक्टली अभी तक जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ आप सबको क्लियर हो रहे हैं, यू कैन हियर मी, आई थिंक आप सब लोगों को मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. मैं सिर्फ यहाँ पे आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्साइटेड नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअल पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको करने होंगे. यू हैव टू अप्लाई दिस इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, राइट. ओके, आई कैन सी बहुत सारे लोगों का मुझे रिप्लाई आ रहा है, एंड आई कैन सी उनको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, राइट. बी अटेंटिव, 56 लोग हैं, आई वांट यू शुड बी इंटेंटिव, आप अटेंटिव होके इसको अटेंड करो, राइट. एंड कुछ सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे आप देखो मत, इधर उधर मत देखो, जस्ट डू इट मैन. अगर आप ज्यादा इधर उधर देखोगे यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. अगर आपकी डिस्ट्रैक्शंस आपके विजन से ज्यादा है तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे. बट अगर आपका विजन स्ट्रांग है, आपके डिस्ट्रैक्शंस कम है, अगर ये सर्कल ज्यादा बड़ा और ये सर्कल छोटा है तो आप कामयाब हो जाओगे. सो रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द लाइफ, डिस्ट्रैक्शन पे वर्क करो. आज आपने एक टास्क करना, फाइंड करना कि मेरे लिए क्या डिस्ट्रैक्शन है, मेरा फोन, नेटफ्लिक्स और वेब सीरीज फॉर एग्जाम्पल, या फिर रात को दोस्तों से बात करना है, एक्स वाई से जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है, आप उस डिस्ट्रैक्शन को या तो बिल्कुल हटा दो या तो बिल्कुल कम कर दो. बिकॉज अगर वो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में रहेगी तो आपके ना विजन तक आपको पहुंचने में ना टाइम लग जाएगा, राइट. थोड़े टाइम की बात है, राइट. सो रिमूव डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर लाइफ, राइट. एंड डोंट मेक अ लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म नहीं है. क्या कह रहा हूँ मैं, क्या मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ, डोंट मेक अ लॉन्ग टर्म डिसीजन ऑन अ शॉर्ट टर्म फीलिंग. डोंट मेक अ लॉन्ग टर्म डिसीजन ऑन अ शॉर्ट टर्म फीलिंग. आपको ना उस फीलिंग को बनाए रखना होगा. आपने बोला कि आने वाले 4 साल के अंदर मैं एक ब्लैक कलर की अपनी मनपसंद कार बाय कर रहा हूँ, और आपने उसको ड्रीम कर लिया और आपने डिसीजन ले लिया, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम देख लिया, 6 महीने बाद आप नेगेटिव हो रहे हो, 6 महीने बाद आप ठंडे पड़ रहे हो. सो वो कैसे आएगी, आपको एग्जैक्टली ना अपने आप को बनाए रखना होगा. आपको एक शॉर्ट टर्म फीलिंग ले ली कि हाँ यार इस बिजनेस में इसने भी ले ली, बट क्या आपको वो फीलिंग आ रही है, क्या आप शॉर्ट टर्म फीलिंग लेके आओ या लॉन्ग टर्म फीलिंग लेके आए हो. अगर आप लॉन्ग टर्म फीलिंग लेके आए तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लो. बट अगर आपकी फीलिंग 2 महीने बाद 3 महीने बाद नॉर्मल हो रही है कि यार वही 4 लाख की गाड़ी बहुत है, वही नॉर्मल लाइफ बहुत है, तो आपको ना अपने आप को चेक करने की जरूरत है. और इस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए क्या करना है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है और आपकी एनर्जी डाउन हो रही है और आपको वो शॉर्ट टर्म फीलिंग आ रही है, मतलब आपकी जो लॉन्ग टर्म फीलिंग थी वो कम हो रही है, इसका मतलब क्या, वो शॉर्ट टर्म हो रही है. अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म रखना है सो हमेशा अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो. मॉर्निंग में उठो, इन अ मॉर्निंग थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, सोचो अपने सपनों के बारे में, थिंक अबाउट योर ड्रीम्स. अगर आप अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो, अगर आप रियलिटी में अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा इवेंचुअली, आपके माइंड से ना वो कभी जाएगा, आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसको इन्वाइट कर रहे हो, आप अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, राइट. सो
डोंट मेक अ लॉन्ग टर्म डिसीजन अगर आपकी फीलिंग शॉर्ट टर्म है, बट अगर फीलिंग भी लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली करो राइट. और ना इस बिजनेस में आते हो तो ना एकदम से एक्सपेक्टेशंस मत लगाया करो कि यार 3 महीने बाद मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, मैं 70-80 हजार कमाने लग जाऊँ. हाँ कमा सकते हो, बट आपको उसके लिए ना एफर्ट भी करना होगा. यू हैव टू पुट योर एफर्ट. और किसी को भी ना क्लेम मत करो, रिच क्विक क्लेम मत करो कि आप आओगे कुछ नहीं करना बहुत पैसा आ जाएगा. नो, यहाँ पे आर्चरी में हार्डवर्क लगता है. अगर आप हार्डवर्क कर सकते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कामयाब हो जाओगे. लोगों को बताना ही तो है, सोशल मीडिया यूज ही तो करना है राइट. हाँ इनिशियली उसको दिखाओ ऐसे कि उसको इजी लगे, बट जो इस जब वो आपके साथ ज्वाइन कर जाए तो उसको एक बात बोलो, ये सब कुछ मिल सकता है बट यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको एफर्ट करना होगा. और अगर एक राइट पर्सन होगा ना, और ना एक जेन्युइन पर्सन तभी आता जब आप उसके साथ ना ऑनेस्ट बात करते हो, आप उसको ऑनेस्टली बताते हो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बोलेगा कि हाँ यार अगर इतना पैसा कमाना तो मेहनत करनी पड़ेगी. जब हम सिर्फ इजी इजी करके बताते हैं, इजी इजी बोलते हैं ना, तो उस पर्सन को लगता है यार कैसे पॉसिबल है, मेरे मामा मेरे डैड इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी आज वो एक नॉर्मल लाइफ मेंटेन कर रहे, तो ये मुझे कह रहे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और पैसा आ जाए. यू डोंट हैव टू मेक क्लेम्स राइट. तो इस चीज को अपने माइंड में रखना राइट. आई कम टू माय नेक्स्ट पॉइंट. अगर मैं आपसे नेक्स्टली बात करूँ पर्सनल डेवलपमेंट में, मैं क्या कर सकता हूँ राइट, हाउ यू कैन डेवलप योर सेल्फ पर्सनली, आप पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो. मैं आपको कुछ पॉइंट देता हूँ राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग राइट. ज्वाइनिंग हाउ, जब आपकी टीम में लोग आएंगे तो आपको ना एक अपने आप से पुश मिलेगा. जब आपकी टीम में लोग आएंगे तो आपको अपने आप से पुश मिलेगा कि एग्जैक्टली आपको अपने आप से पुश मिलेगा कि हाँ यार मुझे ट्रेनिंग्स बनानी है, मुझे कुछ सीखना है जो मैं अपनी टीम को सिखा पाऊँ बता पाऊँ राइट. सो नंबर वन फैक्टर, आपको ज्वाइनिंग्स करानी है. अगर आपके पास ज्वाइनिंग्स होगी तो आप अपने आप को और ज्यादा ग्रो करोगे, और ज्यादा ग्रो करोगे. ब्रिंग मोर पीपल इन टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंग मोर पीपल इन टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रो कर पाओ और आप पर्सनली डेवलप कर पाओ राइट. सो ब्रिंग मोर पीपल, फर्स्ट वन थिंग इज ज्वाइनिंग. सेकेंड इज कंज्यूम फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब Spotify, कहीं पे भी अगर आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है किसी भी तरीके से, बिजनेस से रिलेटेड, मोटिवेशन स्किल से रिलेटेड, माइंड सेट से रिलेटेड, अगर आपके पास कॉन्टेंट मिल रहा है तो व्हाट डू यू डू, आप उसको यूज करो, कंज्यूम करो, उससे ना मैक्सिमम रिजल्ट भी लेके आओ, उसको सीखो और उसको अप्लाई करो. गेट योर ब्रेन वॉश राइट. आप सोचोगे ये मैं क्या कह रहा हूँ, वट इज, मैं ब्रेन वॉश की बात क्यों कर रहा हूँ. आप नेगेटिव चीजों को अपने माइंड से निकालो, नेगेटिव चीजों को वॉश आउट करो. अगर आपके माइंड से नेगेटिव चीजें वॉश आउट होंगी तभी तो आप पर्सनली अपने आप को ग्रूम कर पाओगे राइट. सो कंज्यूम फ्री कंटेंट जो आज एग्जैक्टली में अवेलेबल है. लर्न स्किल्स, मैक्सिमम स्किल्स को यूज करो, सबको सीनियर थोड़ी सिखाएगा. आई नो आज हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, बट अगर आपको एडवांस लेवल पे जाना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है और आपकी टीम आपसे बात करे और आपको उनको लगे कि हाँ एक्चुअली में इस बंदे को कुछ आता है, तो डेवलप योरसेल्फ फर्स्ट, खुद भी कुछ करो. सिर्फ अपने सीनियर पे टीम पे डिपेंडेंट मत करो, लाइक अपने अपलाइन पे सीनियर पे कि ये मुझे सिखाएंगे तो मैं काम करूंगा, ये मुझे बताएंगे तो मैं लर्न करूंगा. यू हैव टू टेक एन एफर्ट, आपको एफर्ट लेना पड़ेगा कि मुझे भी खुद को सीखना है. बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जाओ गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च इट. बट हाँ एक बात याद रखना, हर एक को मत सुनना, 2 से 3 लोगों को सिलेक्ट कर लो कि हाँ इन 2 से 3 लोगों को मैं सुनूंगा. हर एक को सुनोगे कंफ्यूज हो जाओगे, हर एक का बताने का तरीका अलग है, कोई किसी तरीके से बताएगा, कोई कुछ बताएगा. सो डोंट फॉलो एवरीवन, 2 से 3 लोगों को आप फॉलो करो और अलग अलग टॉपिक के लिए राइट. जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आई गो टू ऑन यूट्यूब, मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टॉपिक के लिए मैं जतिन अरोड़ा सर की वीडियोस देखता हूँ, मैं मोटिवेशन के लिए अच्छे पॉइंट्स के लिए गांधी सर की वीडियो देखता हूँ राइट. तो इस तरीके से, और जैसे सोशल मीडिया के लिए मैं किसी फॉरेन लीडर को सुनता हूँ राइट. तो मैंने हर एक टॉपिक के लिए ना अलग अलग लीडर डिसाइड किया हुआ, मोटिवेशन में किससे लूंगा और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए मैं कहाँ जाऊंगा राइट, और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसे वर्क करना है किसके पास जाऊंगा. तो आई हैव डिवाइडेड राइट. अगर मैं हर एक को सुनूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, हर एक का बताने का तरीका अलग है राइट. सो डिसाइड लाइक दिस, अगर आप हर एक की सुनोगे तो आपको ना खुद नहीं समझ आएगा मैं क्या सुन रहा हूँ, वो कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और कह रहे थे राइट. सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. एंड थर्ड पॉइंट फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, बुक रीडिंग राइट. यू हैव टू रीड बुक्स, आपको बुक्स डेवलप करनी पड़ेगी. यू हैव टू रीड बुक्स. बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ने में कतराते हैं, मैं भी कतराता था, बट आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आई लव बुक्स.
आई लव बुक्स बिकॉज मैंने एक बात पढ़ी थी, अ ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट रीडर, अ ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट रीडर. और अगर आपको एक बहुत बड़ी ऊंचाई छूनी है ना किसी भी सिस्टम में, नॉट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, किसी भी बिजनेस में, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में बुक्स को रीड करते हो तो आपका ना माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप सेल्फ मोटिवेट रहोगे. आपको ना मेरी ट्रेनिंग की भी नीड नहीं है अगर आपको मोटिवेट होना है, अगर आप बुक्स पढ़ते हो, बिकॉज बुक्स आपको ऐसा माइंडसेट दे देगी कि मैं आपको रियलिटी में एक बात बताऊं, इतना अच्छा माइंडसेट आ जाएगा कि आप ना नेगेटिव नहीं हो सकते, आप अपने ऊपर कभी डाउट नहीं कर सकते, राइट. सो माइंडसेट के लिए मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूँ स्टार्ट रीडिंग बुक्स, और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है. Ask your seniors, और अगर कोई बुक आपको किसी चीज टॉपिक से चाहिए होगी तो मुझसे पूछना, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, राइट. और विजन इज मस्ट, अपने अंदर एक विजन रखो, यू शुड हैव अ विजन कि ना मैं लाइफ में आखिरी में क्या चाहता हूँ. विजन अपने अंदर तो हो, बट अगर आपको एक ग्रेट लीडर बनना है, यू हैव टू बिकम अ ग्रेट लीडर. सो आपको ना सामने वाले को भी विजन देना पड़ेगा. आप लीडर तब तक नहीं हो जब तक आप किसी और को विजन ट्रांसफर ना कर पाओ, उसको इस बिजनेस का विजन ना दिखा पाओ. सो आपके अंदर ना एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को, जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, आपका टीम मेंबर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आप उस पर्सन को ना विजन दे पाओ कि हाँ भाई एक्चुअली में ना तो इस बिजनेस से ना ये ले सकता है. और वो इंसान के माइंड में भी ना एक इमेजिनेशन बन जाए कि हाँ मैं डेफिनेटली ये चीज अचीव कर सकता हूँ, राइट. सो आई होप अभी तक मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्लैरिफाई हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा. और अगर आपको अभी तक मेरे पॉइंट्स और मेरी ट्रेनिंग्स अच्छी लग रही है, सो इन चैट बॉक्स रिप्लाई वन फास्ट, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं. ओके गुड, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, राइट, गुड. आई कैन सी बहुत सारे लोग अभी तक मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुन रहे हैं, राइट. अन्ना आज मैं आपको ना मोटिवेट नहीं कर रहा है यार, मोटिवेशन लेनी है यूट्यूब पे चले जाओ, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा यार, मैं आज आपको ना रियलिटी में बताना है जो आपको फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड योर ड्रीम्स इन लॉन्ग टर्म. हर एक चीज पूरी होगी इस बिजनेस में, बट पेशेंस रखना और ना अपने माइंड सेट पे वर्क करते रहना, राइट. एंड अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विजन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस चीज को डीप में एक्सप्लेन करूं, अगर मैं आपको समझाऊं, राइट, किस तरीके से, अगर आपको एक पूरी सिटी का व्यू लेना है, अगर आपको एक पूरी सिटी का व्यू लेना है, आपको सिटी की ना सबसे टॉप बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा. क्या आपको उस सिटी की सबसे टॉप बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा तभी आप उस पूरी सिटी का व्यू ले पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूरी दुबई का व्यू देखना है तो आपको बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाना पड़ेगा, तभी आप पूरी सिटी का व्यू ले पाओगे, राइट. सो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बड़ा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको भी ऐसे विजन लेना पड़ेगा, आपको ना टॉप पे सोचना पड़ेगा. हाउ, आप सोचो, आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि मिस्टर आनंद गांधी और मिस्टर रॉल्फ के किस तरीके से अपने बिजनेस को देखते होंगे, किस तरीके का उनका माइंड सेट होगा और किस तरीके से वो अपने सपनों को देखते होंगे, बिकॉज दे आर एट अ टॉप. बट टॉप पे जाने से पहले आपको टॉप के बारे में सोचना होगा. अगर आप टॉप के बारे में नहीं सोचोगे तो आप टॉप पे नहीं जा पाओगे. यू हैव टू थिंक, आप मिड पे रह के, बॉटम पे रह के अगर टॉप के बारे में नहीं सोच रहे हो तो टॉप पे जाओगे कैसे. सो टॉप के बारे में सोचो. अब आपके लिए आपका टॉप क्या हो सकता है, आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको आपको आपके लिए बहुत सारे लोग, आपकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, आपकी बहुत बड़ी फेम, आपके पास एक्स वाई जेड, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप टॉप पे जाके अचीव करना चाहते हो ना, तो उसके बारे में डेली बेसिस पे सोचो, उसको इमेजिन करो. आज मुझे अगर किसी बड़ी सिटी का व्यू लेना है तो मुझे टॉप की बिल्डिंग पे जाना पड़ेगा तभी मैं देख पाऊंगा. तो सेम चीज है, अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हो तो उनको टॉप पे जाके देखो, उनको इमेजिन करो और एक्चुअली में देखो कि मैं अचीव कर चुका हूँ और उसके बारे में ड्रीम करो और रियलिटी में वो इवेंचुअली होगा, राइट. सो थिंक लाइक दिस, थोड़ा डीप एग्जाम्पल है और अगर समझ आया तो बहुत बेनिफिट होगा, राइट. एंड इवेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, मिस मत किया करो. एंड द मेंटोरशिप, मेंटोरशिप करो और मेंटोरशिप लो, राइट. फोकस ऑन मेंटोरशिप. अगर आप एक अच्छी लीडर बन गए, आपकी बहुत अच्छी टीम है, तो ट्राई की कभी कभी आप अपनी टीम में किसी ना किसी अच्छे पर्सन को ना पर्सनली मेंटोर किया करो. उससे उसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है, उससे उस पर्सन की ना कमिटमेंट बढ़ जाती है, उस पर्सन से ना उसके अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, राइट. क्या करना आपको, हाफ एन आवर के लिए उस पर्सन को जूम पे इन्वाइट कर लो,
या फिर हाफ एन आवर के लिए आप उस पर्सन को वीडियो कॉल पर ट्रैक कर लो, और ना इस तरह कनेक्टिविटी बनी रहेगी. आज हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में सिटीज में, सो आपको सिर्फ कॉल कनेक्टेड नहीं रखेगी, आपको क्या करना, अपनी टीम के साथ आपको कभी कभी वीडियो चैट भी करनी है. ये हर काम आपको कोई सीनियर नहीं करेगा. अगर आप डाउन टू डाउन हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके सीनियर ही आके आपके लिए हमेशा मेंटोरशिप करेंगे, आपके डाउनलाइन के लिए हमेशा मेंटोरशिप करेंगे, नहीं, आपको भी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी. और आपके पास ना वर्ड्स भी होने चाहिए. ये ना हो कि मैंने सुन लिया, मैं लाइव आ गया और मैंने कुछ भी समझा दिया और मैंने बंद कर दिया. यू हैव टू मेंटोर देम और इन अ प्रॉपर मैनर. और पॉइंट्स ट्रेनिंग से लो, कुछ बातें उनको बताओ, वो भी तो न्यू है. आप उनको अगर कॉन्फिडेंटली कुछ भी अच्छा बताओगे तो वो डेफिनेटली समझेंगे यार, वो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे. और अगर पर्सन अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके साथ एक बिलीफ से वर्क करेगा और डेफिनेटली आपके साथ दो सीसी भी करेगा, राइट. और हमें टीम के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट करते रहा करो. और ना सबसे बड़ा रूल जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ, जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में रखता हूँ और काफी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, गिव वैल्यू गेट वैल्यू. अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको वैल्यू मिलेगी. अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपको लोग हेल्प करेंगे. अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपकी टीम भी करेगी. सो गिव वैल्यू गेट वैल्यू. अगर आप ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो आपको भी ज्यादा वैल्यू मिलेगी. इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट आपको एक प्राइस पे करना पड़ता है, राइट. सो गिव वैल्यू, वैल्यू प्रोवाइड करो और ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू मिलेगी, राइट. और ना इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, सबसे बड़ी बात, बिकम बेस्ट प्रमोटर. इस पॉइंट को लिख लो, बिकम बेस्ट प्रमोटर. वाई? आज हमारे वेबिनार्स होते हैं, आज हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, आज हमारी लाइव डिस्कशंस होती हैं, इसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी टीम को इनवाइट कर. और अगर आपने अपने एक न्यू पर्सन में क्यूरियोसिटी बना दी और आपने इस ट्रेनिंग की वैल्यू बढ़ा दी, हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स की जो ओपन टू ऑल होते हैं, जो हमारे ट्रेनिंग्स होते हैं, जो हमारी वर्कशॉप्स होती है, आपको उनका ऐसे प्रमोट करना है जैसे वो पर्सन ना कहीं यार मुझे इसको मिस ही नहीं करना. आप कभी कभी देखते हो, आप बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हो वर्कशॉप्स में, वो कहते हैं सर मैं यहाँ बिजी था, वहां बिजी था. हाँ, वो उसका एक्सक्यूज है, वो उसका रीजन है, बट हमें भी ना अपना बेस्ट देना. आप उस पर्सन को उस कॉल पे इतनी वैल्यू बता दो उस वेबिनार की, उस वर्कशॉप की, वो पर्सन ना मिस ही ना कर पाए. उसको ना सारा दिन माइंड में आता रहे यार मुझे वो मिस नहीं करती, मिस नहीं करती, राइट. सो बिकम बेस्ट प्रमोटर. अपना कल्चर प्रमोट करने में आप सोशल मीडिया पे अच्छा प्रमोटर बनो, ट्रेनिंग्स का अच्छा प्रमोटर बनो, वीडियोस को अच्छे से प्रमोट करो, और हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपनी टीम में अच्छे से प्रमोट करो, अच्छे से नॉलेज दो, बिकम अ बेस्ट प्रमोटर. ये बिजनेस ना प्रमोशन का ही तो है. आज अगर आप एक अच्छे प्रमोटर हो तो आपका आने वाले टाइम में बिजनेस बहुत बड़ा होगा. आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर गट्स होने चाहिए कि मैं कैसे एक अच्छा प्रमोटर बन पाऊँ. कॉन्फिडेंटली बताओ उस पर्सन को, उस पर्सन को ना लगे यार मुझे मिस ही नहीं करनी. उस पर्सन को लग रहा है यार मेरी कॉलेज की क्लास है, वो बोलेगा छोड़ना यार मुझे ये ट्रेनिंग लेना ज्यादा जरूरी है. और ऐसी वैल्यू बना दो कि अच्छे लोग ना लेते भी हैं, हर कोई नहीं भी लेगा फर्क नहीं पड़ता, बट अच्छे लोग भी लेते हैं, राइट. सो बिकम बेस्ट प्रमोटर ऑफ दिस बिजनेस. एंड उन प्रमोशन के अंदर ना आप क्या करो, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. उनकी प्रॉब्लम को आप एक राइट सॉल्यूशन दो, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. ये बिजनेस ना हर एक प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन है. अगर आज आपकी लाइफ में पैसे की कमी है तो ये वो सॉल्यूशन है. अगर आज आप लाइफ में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हो ना, बहुत कुछ है. अगर मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, वेलनेस कंपनी बोलते हैं, और एक्स वाई जेड MLM एंड ऑल डायरेक्ट सेलिंग. मैं सर्विस को एक बात बोलता हूँ, ये हर एक प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन. और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ना कोई मोटिवेट किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं. अगर आपको ये बात समझवा दे कि मेरी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. आज मिडिल क्लास फैमिली में 99.9% प्रॉब्लम्स पैसे की वजह से होती है. 0.1% प्रॉब्लम इमोशनल हो सकती है और फिजिकल हो सकती है, बट रियलिटी में 99.9% प्रॉब्लम्स पैसे से होती है. और अगर आप पैसा चाहते हो तो आपको पैसे से प्यार भी करना होगा. और हमें ना कभी उस पर्सन को क्रिटिसाइज नहीं करना जिसके पास पैसा बहुत है, उसके बारे में गलत नहीं बोलना. अगर आप एक इंसान के बारे में टिप्पणियां डाल रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो और उसके पास पैसा बहुत है, तो आप ना गलत कर रहे हो. हमें बेशक वो इंसान कुछ भी करे, हमें नहीं फर्क पड़ता. बेशक उस इंसान ने वो पैसे को अच्छे से कमाया, नेगेटिवली कमाया, नो, जैसे मर्जी कमाया, वो गॉड संभाल लेगा, वो कर्मा संभाल लेगा. हमारा काम नहीं है वो करना, हमें अपने ऊपर फोकस करना है, हमें इधर उधर फोकस नहीं करना. अगर हमारा फोकस यहाँ जाएगा वहां जाएगा, या हम अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे लोगों की ना एक हैबिट बन जाती है, राइट.
और इस पॉइंट को ना आप अपने माइंड में डाल लेना, बहुत सारे लोगों की ना एक हैबिट बन जाती है कि वो ना अपने पे ज्यादा, अपने पे कम फोकस, दूसरों पे ज्यादा फोकस कर दें। किसी पर्सन ने ग्रुप लेफ्ट किया, उसको देखना स्टार्ट कर देंगे कौन था, अरे वो चला गया, ये भाई आप अपने बिजनेस में फोकस करो। उसके जाने से, उसके आने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके आने से, उसके जाने से, उसके काम करने से, उसके दोस्ती से करने से, उसके मैनेजर बनने से आपको एक खुशी हो सकती है, बट आपके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके बिजनेस में कब इम्पैक्ट आएगा? जब आपकी डाउनलाइन आएगी, जब आपकी डाउनलाइन बिजनेस करेगी। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने बिजनेस से फोकस करो, राइट। अन्ना आज ना आप ये सोच रहे हो, मैं आपको ना एक दवाई दे रहा हूँ, किसकी बिलीफ, राइट। आज इस बिलीफ को ना अपने माइंड में डाल लो। इमेजिन करो मैंने एक पिल ली, पानी ले लो, और सोच लो मैंने ना बिलीफ की पिल खा ली, मेरे अंदर बहुत बिलीफ। अब अपने अपने माइंड को बोलो आई बिलीव इन माई सेल्फ। बिलीफ एक बहुत बड़ा वर्ड है। अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है, आपको कोई इंसान नहीं चाहिए वो आपके ऊपर बिलीव करे, आपको इस सिस्टम में इन्वाइट करे और आपको इस बिजनेस में कामयाब करे। आप खुद इनफ हो, आप खुद इनफ हो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। बिलीफ होना चाहिए। अगर बिलीफ आ गया तो 100% इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बिलीफ है तो आप काम करोगे, अगर बिलीफ है आप कंसिस्टेंसी एक्शन लोगे, अगर आप बिलीफ है तो आप हमेशा लर्निंग करोगे, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स जिन पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई होप आपको ट्रेनिंग अच्छी लग रही होगी। एंड मैं एक बार एक्साइटमेंट चेक करना चाहूंगा, कैसी लग रही है ट्रेनिंग आपको और हाउ यू फीलिंग। जस्ट टाइप इन चैट क्या अच्छा लग रहा है आपको, कैसा फील कर रहे हो और क्या चीज आप सीख रहे हो अभी तक, क्या आप एक्चुअली में सीख पा रहे हो इस ट्रेनिंग से। गुड गुड ग्रेट, मजा आ रहा है लोगों को, राइट। आज जरूरी है यार, आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताने आया हूँ जो आपको ना टॉप तक लेके जा सकते हैं, और मैं इन पॉइंट से बहुत जल्दी टॉप पे जाने वाला हूँ, राइट। और हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि ना अपने अंदर बिलीफ रखो डांस से। मुझे बहुत पसंद है वर्ड बिलीफ और मैं बहुत इस वर्ड को लाइक करता हूँ, राइट। गुड, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं और मैं चाहूंगा यार इस वेबिनार के अंदर 55 लोग हैं, सो रहे हो क्या आप सब? क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे? ओके गुड, आई वॉन्ट रिप्लाई मैन, रिप्लाई करो। अगर आप इस ट्रेनिंग को लेट के ले रहे हो तो आई एम सॉरी, ये सारे पॉइंट्स दिमाग से चले जाएंगे। गुड, आई कैन फाइंड, राइट। कहते ना कि अगर आप ऐसे एक्साइटमेंट दिखाते रहोगे और अपने पॉइंट्स वगैरह मुझे बताते रहोगे तो मुझे एक चीज फील आएगी कि हाँ ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और मैं अपना और बेच दूंगा, राइट। बिकॉज मेरे लिए एक फूड है, अगर ये मेरे लिए एक रिस्पॉन्स। आज मैं आपको देख नहीं पा रहा, मैं आपके रिप्लाई से एनालाइज कर रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग कैसी लग रही है, राइट। सो दैट्स हाउ हमें वर्क करना है। और ना मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ना अपने ऊपर बिलीव करा करो भाई। आपको एक एक्स पर्सन आके एक बात बोल देता है कि ये वो है, ये बेकार है, एक्स वाई, आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है क्या? आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ भाई, ये फोन है, मैं आप सब लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, क्या दिस इज फोन। मैं आपके सामने हूँ, मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ और मैं आपको ये बोलता हूँ, ये है तो फोन बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये टैबलेट है। मैं अड़ गया भाई, ये टैबलेट है। आप कह रहे हो नियर बड़ा अजीब आदमी पागल है, तो फोन है। आपको दिख रहा है ये फोन है तो आप किसी और पर्सन की माइंड बातों में क्यों आ जाते हो? आपको बोलता है कि बेकार, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सपने पूरे नहीं होते, मान ले तो कि हाँ यार नहीं होते यार, मैं सीधा हूँ भाई। आपको अपने आप को ना चेक करने की जरूरत है, आप अपने माइंड को चेक करो। रिलेटिव्स फैमिली अप्रिशिएट करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, क्या आप अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो, वो मैटर करता है, राइट। और ना इस बिजनेस में अगर आपको बहुत हाइट तक जाना है ना तो ना पंचिंग पॉइंट्स बनाओ मैक्सिमम। पंचिंग पॉइंट्स आई मीन जैसे धामी सर की ट्रेनिंग बहुत सारे लोग लेते हैं यहाँ पे, तो धामी सर भी एक बात बोलते हैं पंचिंग पॉइंट्स। वो पंचिंग पॉइंट्स क्या है, व्हाट दे आर, वो पंचिंग पॉइंट्स क्या है कि ना आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिसको सुन के पर्सन मोटिवेट हो, एक्साइटेड हो, उसको लगे कि हाँ इस बिजनेस में ना जान है, राइट। इस बिजनेस में पावर, और मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं एग्जैक्टली मैं मासूम करता हूँ। और ना आप कभी भी ट्रेनिंग करो तो ना आपके हमेशा वर्ड्स ना सेम नहीं होने चाहिए, आपकी ट्रेनिंग में हमेशा डिफरेंस ही होनी चाहिए। डिफरेंस ही नहीं हो वर्ड्स, आपके पास इतनी नॉलेज हो यार, आप जब भी ट्रेनिंग देने बैठे कुछ नया बताओ।
और आपके साथ पर्सन बैठेगा भी। अगर आप हर बारी वही बातें बताओगे, हर बारी वही बातें करोगे, तो क्या होगा, वो पर्सन ना इतना ज्यादा गेट नहीं कर पाएगा आपकी ट्रेनिंग से, आपकी बातों का। बट अगर आप अपनी बातों में डिफरेंस ही रखो, आप अपने ट्रेनिंग्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रखोगे जो आपने पहले कभी रिपीट नहीं किए, तो मैं आपको श्योर करता हूँ कि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती जाएगी, आपकी टीम बहुत अच्छी होती जाएगी, और वो सेम चीज आपकी टीम भी फॉलो करेगी, राइट। सो अभी तक लोगों को बहुत मजा आ रहा है जिससे मैं देख पा रहा हूँ, और मैं आपको ना अभी एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, राइट। आपकी जो एक्टिविटी है, जो भी आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो तभी वर्क करेगी जब आप उन स्किल्स के साथ करोगे। एक्टिविटी इंटू प्रोडक्ट इक्वल टू रिजल्ट, एक्टिविटी इंटू स्किल्स इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर आपकी एक्टिविटी है और अगर आपके स्किल्स राइट है, तो मैं आपको श्योर करता हूँ रिजल्ट भी आएगा। अगर आपके स्किल्स बहुत है, आप एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आप काम नहीं कर रहे, आप एक्शन नहीं ले रहे, रिजल्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी एंड स्किल। रिजल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी एंड स्किल। थोड़ा साइंस स्टूडेंट हूं तो ऐसे फॉर्मूले बता देता हूँ, राइट। एंड अब फिजिक्स पढ़ी है तो थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐसे लेके आऊंगा, राइट। सो एक्टिविटी इंटू स्किल्स इक्वल्स टू रिजल्ट, इस चीज को अपने माइंड में रखना। और ना मैं आपको एक बात बोलूंगा कि इस बिजनेस में ना लोग तो बहुत आते हैं, बट हर कोई इस बिजनेस के लिए होता नहीं। इस बिजनेस में लोग ज्वाइन भी बहुत करते हैं, बट आगे तक जाने के लिए ना बहुत कम लोग होते हैं। इस बात को हमेशा माइंड में रखना। और ओके, व्हाट इज पंचिंग पॉइंट, किसी का मुझे एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज पंचिंग पॉइंट। लाइक पंचिंग पॉइंट इज दैट जो आपके खुद के पॉइंट्स है। फॉर इवेल्यूएटिंग प्रोडक्ट्स में थ्री पीस होते हैं, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान, प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान। वो तो सबका सेम है, बट आप क्या बता रहे हो, आपकी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंशिएट है। लाइक आज मैं बात करूं तो ये मेरे पंचिंग पॉइंट्स है, आज ये मेरी ट्रेनिंग है। और अगर मेरे अलावा कोई और पर्सन ट्रेनिंग देगा, तो शायद वो कुछ और बातें बताए, उसके पॉइंट्स कुछ और। तो उसके पास अपने पंचिंग पॉइंट्स है, और आपके पास अपने पंचिंग पॉइंट्स है, और किसी इंसान के पास अपने पंचिंग पॉइंट्स है कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, क्या वर्ड्स यूज करता है, किस तरीके से बिजनेस को बताता है, राइट। सो दैट इज पंचिंग पॉइंट्स। ओके, सो कम बैक टू द टॉपिक। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, बट ना आप कभी भी ना नूडल को खींच नहीं सकते, टूट जाएगा, समझ रहे हो। अगर आप एक स्ट्रिंग को, एक छोटे से स्ट्रिंग को आप कितना खींच लोगे, उसकी इलास्टिसिटी कम है, आप उसको जितना खींचोगे वो इवेंचुअली टूट जाएगा। तो हमें ना उस पर्सन को कभी पुश नहीं करना, उस पर्सन को कभी खींचना नहीं है जिसके ड्रीम्स नहीं है, जो शॉर्ट टर्म फीलिंग लेके आया, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिया है, और हमें दिख जाता है कौन सा पर्सन शॉर्ट टर्म आया, हमें उस पर टाइम नहीं लगाना। ट्रेनिंग्स दो, ट्रेनिंग्स में इन्वाइट करो, रिस्पॉन्स दिखा रहा है तो उसके साथ काम करो, नहीं तो बहुत लोग हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट पर्सन। डोंट पुश और पुल अ पर्सन जो सिर्फ एक नूडल जैसा है। आप नूडल को कितना खींच लोगे, इवेंचुअली ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा। बट यू कैन हैव अ स्ट्रिंग, लाइक रबर स्ट्रिंग, मेटल स्ट्रिंग, आप उसको जितना मर्जी खींच लो, टूटेगा ही। सो हमें ऐसे लोग चाहिए। और मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप एक मेटालिक स्ट्रिंग हो या फिर आप एक नूडल हो, हु यू आर? आप एक नूडल या फिर एक मेटालिक स्ट्रिंग हो, रिप्लाई। आप एक नूडल हो या फिर एक मेटालिक स्ट्रिंग हो, रिप्लाई मीन चैट बॉक्स। ओके, सो एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रहा हूँ कि डोंट पुल और पुश अ नूडल, क्योंकि वो ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा, राइट। एंड आपको एक मेटालिक वायर चाहिए, आपको एक मेटालिक वायर चाहिए, एक मेटालिक रॉड चाहिए जो कभी टूटे ना, और हम उसको जितना मर्जी खींचते रहे वो कभी टूटे ना, राइट। सो हमें एक ऐसा पर्सन अपनी टीम में चाहिए, हमें एक ऐसा लीडर अपनी टीम में चाहिए, राइट। अब आप कहते हो कि मुझे कामयाब होना, राइट। सो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब होना ना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है भाई। बिकॉज जब आप इस बिजनेस में कामयाब होते हो, तो आपकी जब दूसरे लोग भी आपकी टीम में कामयाब होते हैं ना, तो आपका नाम अपने टेस्टिमनीज में लेते हैं, राइट। और एक्चुअली में ट्रू सक्सेस वही है जब आपका नाम अपनी कामयाबी में कोई लिखे कि मैं इस पर्सन की वजह से कामयाब हुआ, इस पर्सन के सपोर्ट से मैं कामयाब हुआ, राइट। सो जब तक आपका नाम किसी की कामयाबी में ना आए, आप ये मत सोचना मैं कामयाब हूँ, राइट। सो हम एक ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जहाँ पे हमारा नाम डेफिनेटली एक सेकंड पर्सन की, हमारे डाउनलाइन की लाइफ में आएगा, जहाँ पे हमें हमने उसे हेल्प आउट किया, राइट। सो आपको ना एक पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, अपना ना मोमेंटम बना के रखो, पर्सनल मोमेंटम क्रिएट करो।
डोंट एक्सपेक्ट कि मेरी टीम भी काम करे, पहले आप खुद तो काम करो, आप अपना एक मोमेंटम क्रिएट करो, पर्सनल मोमेंटम कन्वर्ट होगा ग्रुप मोमेंटम में, ग्रुप मोमेंटम कन्वर्ट होगा टीम मोमेंटम में, एंड टीम मोमेंटम कन्वर्ट होगा कंपनी के मोमेंटम में, एंड कंपनी का मोमेंटम कन्वर्ट होगा इंडस्ट्री के मोमेंटम में। काफी टाइम पहले मिस्टर अनंत गांधी सर इस बिजनेस में आए थे और आई थिंक 17-18 साल उनको हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को एक पर्सनल मोमेंटम पे डाला, जब उनका पर्सनल मोमेंटम बना तो उसके बाद उनके ग्रुप में मोमेंटम आया, जब उनके ग्रुप में मोमेंटम आया तो उनकी टीम में मोमेंटम आया, और जब उनकी टीम में मोमेंटम आया तो उनकी कंपनी में भी मोमेंटम आया, बिकॉज मिस्टर अनंत गांधी एक बहुत बड़ा बिजनेस देते हैं इस कंपनी को, राइट। सो कंपनी में मोमेंटम आया, और अगर कंपनी में मोमेंटम आ रहा है तो उनकी टीम की वजह से हम इंडस्ट्री में भी तो मोमेंटम लेके आ रहे हैं, सो राइट। तो अगर हमें इंडस्ट्री तक जाना है, हमें इंडस्ट्री में मोमेंटम क्रिएट करना है, तो हमें पहले अपने आप से मोमेंटम स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप से मोमेंटम क्रिएट कर लिया तो ग्रुप में भी बनेगा, टीम में भी बनेगा, एंड कंपनी में भी बनेगा, एंड इवेंचुअली इंडस्ट्री में भी बनेगा, राइट। और आप इंडस्ट्री में भी ग्रो करोगे, ओके। सो फोकस ऑन योरसेल्फ नॉट अदर्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और ना कभी 50-50 मत रहना, आपने सोच लिया कि हाँ यार 2 साल देके देखता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करो। 50-50 रहोगे तो सच्ची कुछ नहीं हुआ, सच बताओ, क्योंकि आपके माइंड में ना हमेशा एक बात रहेगी, जब रिजल्ट नहीं आ रहा होगा ना, आप एक बात बोलोगे यार ऐसे भी 50-50 तो है, अगर ये नहीं होगा तो वो कर लूंगा, अगर ये नहीं होगा तो वो कर लूंगा। तो आपने अपने माइंड को ना 50-50 में डाला, और आप अपना 100% कभी नहीं दोगे अगर आपने सोच लिया कि ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा। बिकॉज जब जब आपको नेगेटिविटी आएगी, जब जब आपको रिजल्ट नहीं आएगा, तो इवेंचुअली पता क्या होगा, आप उस चीज के बारे में सोचने लग जाओगे जो आप उसके बाद करने की सोच रहे थे। सो अपने माइंड से ना ऑप्शंस को हटाओ, ज्यादा ऑप्शंस को हटाओ। अगर आपने ज्यादा ऑप्शन रखे हुए हैं तो बहुत लेट कामें हो गए या फिर हो गई, बुरा लग सकता है, बट दिस इज अ रियलिटी। 50-50 मत रहना, डोंट बी 50-50। चेक योरसेल्फ, क्या मैं 50-50 हूँ, क्या मैं स्ट्रेट हूँ। आई नो इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट है और जिनका माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट है कि मुझे यही काम करना है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50-50 माइंड से रहते हैं। मैं नए लोगों को नहीं कह रहा, आप अपनी साइड में कॉशन रखो, बट जो इस बिजनेस में काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। सो थिंक पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट करोगे, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करोगे। आप सोच रहे हैं बिजनेस नहीं हो रहा, अपने माइंड को बोल रहे हैं बिजनेस नहीं हो रहा, लोग तो जुड़ते नहीं है, तो आपने अपने माइंड को एक बात बोली लोग जुड़ते नहीं, तो लोग जुड़ेंगे नहीं। आप अपने माइंड को एक बात बोलो कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है मेरा, सुबह मॉर्निंग उठ के अपने माइंड को बोलो ना, और इवेंचुअली विद इन 1 वीक, विद इन 2 वीक आप एक रिजल्ट देखना स्टार्ट कर दोगे कि आपका बिजनेस, आपकी टीम एक्चुअली में ग्रो कर रही है, राइट। सो थिंक पॉजिटिव, और ना कभी एक्सपेक्ट मत करना, अगर आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे ना, डोंट बॉदर, कभी बुरा मत फील हो। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको पता कब अप्रिशिएट करेंगे, कब आपको शाबाशी देंगे, व्हेन स्ट्रेंजर्स विल रिस्पेक्ट यू। जब आपके मॉम, जब आपके डैड, जब आपका मामा, जब आपके चाचा, एक्स वाई जेड, जब आप जब देखेंगे ना आपको, आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको लोग सर बोल रहे हैं, और आपके पास 100 से 200 लोग हैं जो आपको रिस्पेक्टली देख रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट देख रहे हैं, आपको एडमायर करते हैं, तो आपकी फैमिली भी सोचेगी कि हाँ यार इसने सच में कुछ कर दिया, राइट। सो ओवर टाइम होगा जब आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, राइट। सो दिस इज द रियलिटी, और इस रियलिटी को आप अपने माइंड में रखो। और मैं ट्रेनिंग के एंड पे हूँ, और मैं इस ट्रेनिंग को बहुत जल्दी फिनिश करने वाला हूँ, राइट। सो हमें ना एक लास्ट पॉइंट, और इस लास्ट पॉइंट के साथ मैं ट्रेनिंग को एंड करूंगा, और वो लास्ट पॉइंट क्या है, कभी ईगो, ईगो और एटीट्यूड रखो। आप बोल रहे हो कि क्या बोल रहा है, ईगो और एटीट्यूड रखो, हाँ रखो, पॉजिटिव रखो। हर एक वर्ड के ना दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ईगो होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, बट पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ईगो ये नहीं कि मुझे सब आता है, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, दैट इज नेगेटिव। बट ईगो क्या, पॉजिटिव ईगो क्या होती है कि मैं ये काम करूंगा और ये मैं काम करके ही रहूंगा, ये आपका एक पॉजिटिव ईगो है, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। और ना कभी ये मत सोचो कि यार मुझे तो सब आ गया, मैं खुद ही अपना सिस्टम बना लूंगा, खुद ही ट्रेनिंग कर लूंगा। अगर ये करोगे तो ना, आप एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ना एक बिजनेस में आके ना कभी कभी ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, और ना खुद की पटरी बिछानी शुरू कर देते हैं। हमें वो नहीं करना, अगर आप वो काम करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। हाँ मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक इंसान मेरी टीम में ऐसा करता है तो मैं लगने और लोग ले आऊंगा। मुझे पता है अगर इस इंसान ये काम किया तो उसका माइंडसेट वीक है, बट अगर आप एक्चुअली में इस बिजनेस में काम में होने आए हो तो यार माइंड से स्ट्रांग हो, डोंट गेट ईगो।
डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, बट हमें डिस्ट्रैक्शंस में नहीं आना. बी पॉजिटिव मैन, हमेशा पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो. एटीट्यूड रखो कि यार ये काम मैं करके रहूंगा. आज मैंने टारगेट ले लिया, आज मैंने सोचा मैं 20 से बदलूंगा, तो मैं लेके ही रहूंगा. तो दैट इज पॉजिटिव ईगो. एंड इस तरीके की ईगो हमें अपने माइंड में रखनी है, राइट. एंड आई होप आज के पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, राइट. एंड